नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋचा दुबे। एमपीसीजी के बुलेटिन में शुरुआत करते हैं इस खबर से। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, वही तो बता रहा हूं, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूं मैं। नहीं, यू टॉक, टू टॉक प्रॉपर्ली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहां दी है, पढ़ के बताइए। बता रहा हूं ना, हां बताइए। हां, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे क्या लिखा है? यह कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जहाँ ग्राम भादुपुर तक कथा वाचन किया जाना नियत किया गया, उक्त 51 में प्रावधान है, वो मैं बता रहा हूँ। पहले मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। कितनी कॉस्ट के साथ इसको खारिज करना है पिटीशन को? ये ऑलरेडी डिसाइडेड वन पिटीशन 11885। माय लॉर्ड, तीन पिटीशन इज नाउ बीइंग फाइल्ड बाय डिफरेंट पर्संस। कितनी कॉस्ट लगाना है ये बताइएगा। नहीं माय लॉर्ड, वो अर्लियर पिटीशन एंड प्रेजेंट पिटीशन बहुत डिफरेंट फैक्ट एंड डिफरेंट ग्राउंड। क्या लिखा है इसमें बताइएगा। इसमें एनेक्जर P1 देखेंगे माय लॉर्ड। आप P1 बताइए। P1 इसमें ये लिखा हुआ है, पढ़ देता हूँ। यह कि आपके ये वही ग्राउंड्स हैं, सारे वही ग्राउंड्स हैं। पैसा है माय लॉर्ड, नीचे में पढ़ रहा हूँ ना। जिला प्रशासन द्वारा पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार। कहाँ पढ़, किस पेज पे पढ़ रहे हैं आप? पेज नंबर 12। कहाँ पढ़ रहे हैं? नीचे। हाँ जी। जिला प्रशासन द्वारा पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों विस्तार अधिनियम 1996 की धारा 4 घ में प्रदत्त अधिकारों का हनन उल्लंघन किया जा रहा है। वो पिटीशन पढ़ी है जी? वो पिटीशन और उसमें हमारा ऑर्डर पढ़ा है, नहीं पढ़ाया जी? वो बोल रहे हैं अलग है। माय लॉर्ड, में अलग है ना इसमें। एक मिनट, पहले पूरी बात सुनिए। Have you gone through that order? आपके जो स्पॉन्सर करता है उन्होंने आपको वो आदेश पढ़वाया कि नहीं पढ़वाया जो हमने पिछली तारीख को पास किया, पारित किया है? उस ऑर्डर में माय लॉर्ड ग्राम सभा की परमिशन पे नहीं लिया गया इस आधार पे। और इसमें ये है, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है माय लॉर्ड जी, कि there is programs being done my lord, the being the big देव इज द प्लेस देयर माई लॉर्ड। जहाँ पे कार्यक्रम कराया जा रहा है माई लॉर्ड, वहाँ पर बड़ा देव का स्थान पूर्व से स्थापित है, यही तो बता रहा हूँ मैं। नीचे क्या लिखा है पढ़िए। यह कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जहाँ ग्राम भादुपुर तक कथा वाचन किया जाना नियत किया गया है, उक्त ग्राम और स्थान पर आदिवासियों का पैंट थाना बड़ा देव भगवान स्थल है, जो कि आदिवासी गौण समाज के लिए आस्था का प्रतीक है। अतः उक्त ग्राम स्थल पर कथा वाचक के आयोजन से आदिवासियों के आत्म सम्मान स्वाभिमान धार्मिक मान्यताओं को अध्यक्ष पहुंचे। क्या क्या धार्मिक मान्यता है बताइए। और एनेक्जर बड़ा नहीं, पहले बताइए बड़ा देव भगवान स्थल जो है जी, वहाँ से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का कैसे किसी के कथा वाचन करने से अपमान होता है, वो सवालों के जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उनके पूर्व से पहले बताइए क्या मान्यताएं हैं, कहाँ लिखा है आपने पिटीशन में उनकी क्या मान्यताएं हैं? माय लॉर्ड, में आप कहते हैं कि किसी की मान्यता है तो उस मान्यता के संबंध में विस्तृत विवरण होना चाहिए याचिका में, क्या विवरण है बताइए। इसमें माय लॉर्ड, में पढ़ के बता रहा हूं। कहां से पढ़ के बता रहे हैं? पिटीशन में। हां बताइए, पैराग्राफ नंबर, पैराग्राफ 1 है माय लॉर्ड। द पिटीशनर हैज बीन रिटन एप्लीकेशन अगेंस्ट पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नरेटर एंड द ऑर्गेनाइजर टू द रिस्पोंडेंट नंबर 6 इन विच इट इज आल्सो मेंशन द आर्टिकल 19(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कस्टम ट्रेडिशन एंड द कस्टम ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी अफेक्ट द ट्राइबल कल्चर एंड द विल डिस्टर्ब द प्रिमिटिव रिलीजन नेचर एंड द कस्टम। आप सवाल समझ रहे हैं वकील साहब जी? आपने जिसको, जिसने ये पिटीशन बनाकर दी है, आपको लगवाई है, उनसे इतना तो समझ लीजिए हम आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं। दिक्कत यही होती है कि उस वकील को खड़ा कर देते हैं जिसको सवाल का उत्तर देने का भी वो नहीं है। आई एम आस्किंग यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट व्हेन यू से ऑन पेज 12 कि बड़ा देव भगवान स्थल है और उससे आदिवासियों की मान्यताओं को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी, मैंने आपसे सवाल पूछा इस बड़ा देव भगवान से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं को किसी कथा के करने से कैसे ठेस पहुंचेगी। अब आपका हिंदी में भी बता दिया सवाल, अंग्रेजी में भी बता दिया, उसका उत्तर दीजिए पहले। माय लॉर्ड, उस जगह के अलावा अन्य दूसरे स्थान पे अगर कराया जाए तो कोई विरोध नहीं है वहाँ। अरे पहले हमारे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हु आर यू टू डिसाइड कि कौन से स्थान पर होगा, कौन से स्थान पर नहीं होगा,
पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का किस प्रकार से कुठाराघात होगा, उन मान्यताओं पर उन मान्यताओं का हनन होगा, अपमान होगा, ये तो समझाइए आप हमको। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक टू टॉक प्रॉपरली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है कॉन्स्टिट्यूशन में, कहाँ दिए पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना, हाँ बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे लेट नोटिसेस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। हाई कोर्ट में नहीं, फर्स्ट आपको हम कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा आप। आपको हाई कोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। इशू नोटिस अगेंस्ट दी पिटिशनर काउंसिल श्री, आपका शुभ नाम बताइए। आर्टिकल 51 में प्रावधान है, वो मैं बता रहा हूँ। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। वो सवाल ये मैं जो आर्गुमेंट, पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ उसको आप पहले सुने, आर्गुमेंट सुने। नहीं सुनेंगे आपका आर्गुमेंट, आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो कंटेम्प्ट का नोटिस इश्यू करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। यू शुड नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? अब आप दूसरा सवाल सुनिए, उसका उत्तर दीजिए पहले, फिर संविधान पढ़ेंगे। ये सर्व आदिवासी समाज कौन है, किसने ऑथराइज किया है आपको ये फाइल, पिटीशन फाइल करने के लिए? कहा है ऑथराइजेशन? पहले ऑथराइजेशन बताइए पिटीशन फाइल करने के लिए। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करें यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू, सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए? तजीब से बात करना सीखो। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले बताइए किसने ऑथराइज किया आपको पिटीशन लगाने के लिए? सर्वे आदिवासी। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। ये बताइए सर्व आदि समाज, आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन कहाँ है पिटीशन फाइल करने के लिए? तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी TRP कलेक्ट कर लोगे। नहीं, नहीं। तुम ये भूल जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी। सॉरी बोल रहा हूं, यू शुड बी सॉरी। तुम लोगों को सिखा के भेजा जाता है कि बदतमीजी करो। प्रश्न का उत्तर नहीं दो और बदतमीजी करोगे, और फिर बोलते हो आप सुन नहीं रहे। हम पिटीशन पढ़ के आते हैं, हमें मालूम है क्या सवाल पूछना है। क्या नाम है आपका? जीएस उद्दे। जी जीएस उद्दे। कितने साल से वकालत कर रहे हो? 2007-08। हाई कोर्ट में कब से हो? 7-8 से। हाँ तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है? बताइए किसने ऑथराइज किया आपको पिटीशन फाइल करने के लिए? सर्व आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन लाइए पहले। ये हेमलता धुर्वे और ये हरनाम मरावी, किसने ऑथराइज किया आपको पिटीशन फाइल करने के लिए? हेमलाल धुर्वे। कहाँ है वो ऑथराइजेशन? पेज नंबर एंड एवरी लॉयर शुड नोट, किसी ने भी बदतमीजी करी है कंटेम्प्ट ड्रॉ करूंगा, जेल भेज दूंगा। दे शुड नो हाउ टू आर्ग्यू बिफोर हाई कोर्ट। माय लॉर्ड, वकालतनामा नहीं, उस संस्था का सर्व आदिवासी समाज का रिजोल्यूशन बताइए जिसने कि इन दो लोगों को, हेमलाल धुर्वे जी को और हरनाम मरावी को ऑथराइज किया है कि पिटीशन फाइल करने के लिए। सर इसमें जो पेज नंबर 47 है, पेज नंबर 47 जी बताइए, 47, 48 और 49। हाँ पढ़िए उसको, पढ़िए प्लीज। 47, 48 में क्या लिखा है? आज ये टाइप कॉपी पढ़ रहा हूँ जी।
आज दिनांक 10/5/2023 दिन बुधवार को समाज की संयुक्त बैठक श्रीमान धारा सिंह मंचकोली जी की अध्यक्षता में तथा बालाघाट जिले के समस्त आदिवासी समाज के सामाजिक संगठनों पदाधिकारी सामाजिक कार्यकर्ताओं को उपस्थित महिला पुरुष एवं युवाओं को उपस्थित हुए सहमति बैठक कार्यवाही सगाजनों के विचार मनन का निष्कर्ष लिया गया जाकर निर्णय लिया गया कि निम्नानुसार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 वन पांचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में पैसा या 1996 के नियम 22 के तहत कहां है लेटर हेड कहां है ऑथराइजेशन लेटर हेड लगाए प्लेन कागज पे कोई बैठक कार्रवाई कर लेंगे उसका कोई अस्तित्व थोड़ना है। जब आप ये लगा रहे हैं इसमें अध्यक्ष के रूप में साइन कर रहे हैं लिखा है ना पीछे पेज नंबर 50 पे पढ़िएगा टाइप कॉपी में मनशाराम मरावी अध्यक्ष किस चीज के अध्यक्ष हैं कहाँ है आपका लेटर हेड कहाँ है आपके कागज कि आपको किसी ने अध्यक्ष बनाया ऑथराइज किया कहाँ है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस समुदाय इज आल्सो रिक्वायर्ड टू यस उसी पे आ रहा था यस थैंक यू। जब स्पॉन्सर्ड पिटीशंस होती है तब इस तरीके के जो है टेंट्रम्स दिखाए जाते हैं रजिस्ट्रेशन है इसका लेकिन मैंने फाइल नहीं किया नहीं किया फाइल तो फिर आज इसको नहीं सुन पाएंगे जब फाइल करेंगे तब सुनेंगे तो खारिज कर देंगे इसी ग्राउंड पे आप रजिस्ट्रेशन के साथ नई पिटीशन फाइल करिएगा लिखिएगा श्री कल कार्यक्रम ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते आपको तैयारी करना चाहिए थी जितनी गर्मी आप दिखा रहे थे ये बात आप विनम्रता से पहले कहते तो आपको सुन लेते पक्षकार को बताइएगा कि हमारी गर्मी दिखाने के कारण कोर्ट ने खारिज कर दिया। शुभ नाम बताइए फिर से जीएस उदय श्री जीएस उदय उदय फॉर द पिटीशनर देयर इज नो ऑथराइजेशन इन फेवर ऑफ द पिटीशनर्स बाय द सो कॉल्ड सर्व आदिवासी समाज डिस्ट्रिक्ट बालाघाट टू फाइल दिस रिट पिटीशन फुल स्टॉप पिटीशनर इज नॉट इन अ पोजीशन टू आंसर क्वेरीज ऑफ दिस कोर्ट फुल स्टॉप व्हाइल पिटीशनर वाज रीडिंग एनेक्सर P1 This court wanted to know in categorical terms that what are the customs associated with Bada Dev Bhagwan Sthal, which is a symbol of tribal faith, and how those customs, traditions, and belief are in conflict with the proposed organization of Katha Vachan in the hands of some Katha Vachak. Full stop. Instead of answering the questions, petitioner lost his cool and started showing tantrums. However, in absence of these two fundamental questions regarding locus of the petitioner, which should have been substantiated by filing a proper authorization from the concerned Sarv Adivasi Samaj, along duly backed with constitution of the said organization, showing a constitution of the said organization, and also in absence of any pleadings to demonstrate that how Katha Vachan is going to be in conflict with the beliefs, traditions and faith of the tribal community who are worshipping Bada Mahadev Bhagwan at village Bhadu Kota, comma, this petition is not mature to be given a hearing, full stop. Petition is returned with the liberty to file properly constituted petition if petitioner so desires. Sorry. Yes.